टाइम न्यूज समूह की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पश्चिम बंगाल से भोली भाली युवतियों को बहला फुसलाकर देह व्यापार के धंधे में करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जहां चार आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पश्चिम बंगाल की एक युवती को आरोपियों के चंगुल से सकुशल बरामद किया गया। वहीं मुख्य सरगना आफरी नामक महिला को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पलासिया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वर्धमान कंपार्टमेंट में आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर छापामार कार्यवाही कर मौके से पश्चिम बंगाल की रहने वाली धारा नामक युवती को सकुशल बरामद कर पूछताछ करने पर पता चला कि आफरीन और गुड़िया और उसके अन्य साथियों द्वारा युवती को बहला फुसलाकर इंदौर लाए और देह व्यापार के धंधे में लगा दिया। पुलिस ने मानव तस्करी सहित अन्य धाराओं में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मुख्य आरोपी आफरीन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। अभी थाना पलासिया पुलिस के द्वारा एक महिला आरोपी है आफरीन करके, उसको पकड़ा गया है। इसने एक सहारा नाम की लड़की है, इसको देह व्यापार में उसको इन्वॉल्व किया था और आफरीन से पूछताछ की जा रही है। पहले भी आफरीन विजयनगर और कनाड़ी में पकड़ी गई है। आफरीन की एक सहेली गुड़िया नाम की है, उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है और एक दो लोग को और अन्य लोग को भी आरोपी बनाया गया है। इस आफरीन की और कौन कौन इस धंधे में इन्वॉल्व हैं उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। ये एक फ्लैट है यहाँ पर, वर्धमान मल्टी है, वहाँ पर फ्लैट है। उस फ्लैट में आफरीन ने एक कमरा ले रखा था और वहाँ पर ये लड़की जो सहारा नाम की लड़की है इसको कलकत्ता से बुलवाया था और इससे गलत काम कराया जाता था। लड़की बालिग है और अभी ये 22 तारीख को आई थी। इसके बारे में आफरीन के दो दो रिकॉर्ड हैं, एक विजयनगर में है और एक कनाडिया में, तो पहले से भी ये इस तरह के काम में इन्वॉल्व रही है। इसमें अभी तक प्रथम दृष्टया जो है तीन आरोपी और अन्य के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें आफरीन नाम की आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।